Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today science class. कल हमने एसिड और बेस के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी और आज हम आपको एक लास्ट एक्टिविटी बता रहे हैं बेटा, दैट इज द एक्टिविटी 5.1। देखिए आप इसमें क्या होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी दैट इज 5.1 मतलब कि इस लेसन की पहली एक्टिविटी है। मैंने आपको पहले बताया था हर एक्टिविटी का एक एम होता है, एक पर्पस होता है कि हमें क्या शो करना है। तो इसमें आपका है टू ऑब्जर्व द केमिकल नेचर ऑफ, टू ऑब्जर्व द केमिकल नेचर ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज अवर पर्पस। अब इसके लिए क्या होता है, थोड़ा बात को ध्यान से सुनना। फर्स्ट वी टेक ए ग्लास जार, बेटा एक ग्लास जार हमने ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, और उसके अंदर हमने डाल दिए फ्यू पीसेज ऑफ क्रश्ड एग सेल। ध्यान से सुनना, मतलब हमने एग को क्रश किया और उसके पीसेस को इसमें डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने एक चीज और डाली, दैट इज द विनेगर। विनेगर मीन्स होता है सिरका। ऑफ ऑन दिस, और जैसे ही आपने इसके अंदर सिरका डाला, इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई। आपको पता है जो एक शेल होता है वो होता है बेटा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो विनेगर आपने डाला उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड और उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या होगा सुनिए, इतने ये दो सब्सटेंस हैं, ये किसमें है एक शेल, मतलब कि पीसेज ऑफ एक शेल दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी फॉर ए ब्रेक, यस सर, पीसेज ऑफ एग शेल का मींस क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, और विनेगर में क्या होता है दैट इज द एसिटिक एसिड। जब इन दोनों में केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो यहां पर से बहुत लार्ज अमाउंट में गैस बाहर निकलेगी बाय द हिसिंग साउंड, और यहां पर जो भी मटेरियल है वो सब खत्म हो जाएगा, यानी कि एक शेल उसमें बचेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद जब बर्निंग मैच स्टिक आप इस टेस्ट ट्यूब इस जार के पास लेके जाएंगे तो वो जलती हुई जो बर्निंग मैच स्टिक है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। बर्निंग मैच स्टिक विल ऑफ, बंद हो जाएगी। इसका मतलब जो गैस निकली वो गैस थी CO2। ध्यान से सुनना, क्रश्ड एग शेल, एग के बाहर का जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है। जब दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ तो एक गैस प्रोड्यूस हुई और एक ऑर्गेनिक साल्ट बना। इसमें कोई अपने आउट ऑफ कोर्स से वो इस पर इतना याद रख लें आप कि ओनली एक ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एंड डिसॉल्व मेनी सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं और बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं।
और इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं बेटा राइटिंग वर्क है आज का, दैट इज चेक योर नॉलेज फर्स्ट। Take your knowledge first of lesson number 5. What is the difference between natural acid and mineral acid? This is our question number first. और हम यहाँ बात करें बेटा answer number 1 और इसमें हम answer लिखेंगे The acids which are present acids which are present the acids which are presenting that are present in fruits, vegetables, fruits vegetables curd etc are known as natural acid Please remember, okay, तो ये ध्यान रखना आप natural acids, while an acid which is prepared from acid which is prepared from the minerals of the earth are called mineral acids okay this is answer number first aapke paas question tha beta what is the difference between natural acids and mineral acids The acids which are present in fruits, vegetables, curd, etc. are known as natural acids. While an acid which is prepared from the minerals of the earth are known as, are called mineral acids. इतनी बात समझ में आ गई उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट नंबर दैट इज द आंसर नंबर 2 यहां पर देखिए बेटा आंसर नंबर 2 क्वेश्चन है आपका Give one large scale use of lime water. Answer होगा That is on a large scale. A dilute solution of lime water. Solution of lime water
is used for whitewashing is used for whitewashing तय करने के लिए काम आता है, जिसको आप चूना बोलते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं बेटा आंसर नंबर 3। ये सारा काम आपका अपनी नोटबुक में कंप्लीट होना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। आंसर देखना बेटा, गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर। Responsible for acid rain are number 1 carbon dioxide, that is CO2. Second number, that is the nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide, that is NO2. Or third number hoga, that is the sulfur dioxide. Sulfur dioxide, that is SO2. अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, सिंपली आप स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। उसके बाद सुनिए आप, अगला क्वेश्चन होगा आपका, दैट इज द विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। ध्यान से देखिए बेटा, आंसर नंबर होगा आपका 4। और ये होगा आपके पास में, टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। प्लीज रिमेंबर दिस, टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। नेक्स्ट नंबर, दैट इज द आंसर नंबर 5। देखना बेटा क्या है इसका, नेम ए वीक बेस विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, NH4OH। ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना, इफ यू आर राइटिंग ए फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं लिखें। अगर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कर दिया है तो मिस्टेक हो सकती है, रॉन्ग माना जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर is used for the manufacture of fertilizer. Manufacture of fertilizers. Okay, this is the question answer meter. Check your knowledge is completed here. Or do complete them in the your notebook. Now next timing we will study about the indicators. Now some information I want to give you. Please everyone remember your science score
course for the incoming test, that is only complete lesson number 3 and 4. Prepare them well and ready to for the test. Thank you very much.